आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जितने सारे घोटालेबाज थे सबको आपने अपने कब्जे में ले लिया, और देखिए कुछ वक्त किसी भी हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेके बात करते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जितने घोटालेबाज थे आपके यहाँ आकर के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो आदमी मौजूद है जिनका संबंध तो बीजेपी से है, लेकिन आपने वोट फॉर नोट मामले में जो सबसे बड़ा नाम उछलकर सामने आया था वो इसी सोहेल हिंदुस्तानी साहब का नाम आया था। और अभी जैसे ही मैंने सोहेल साहब का नाम लिया, आप देखिए आसमान से आंधी और तूफान की भी बारिश आ चुकी है। सोहेल साहब जाने जाते हैं उसी तूफानी काम के लिए। सोहेल साहब, मौसम बड़ा अजीब हो गया है, इस वक्त इंटरव्यू करना लगता है मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग सरकार से बाहर जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष ये कह रहा है 400 पार का मतलब मोदी जी की 143 सीटें आएंगी, 400 पार चले जाएंगे। नो, जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े छिछड़े नजर आते हैं, ऐसे विपक्ष के महाठग बंधन के उनके नेताओं के परिवारवादी पार्टियों के सत्ता नजर आती है। जिस तरह मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, कांग्रेसी और सत्ता के जो भूखे लोग जो विपक्ष में हैं, जैसे समाजवादी के अखिलेश जी हैं, लालू जी के तेजस्वी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, परिवारवादी, ठगबंधन, तो ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम सत्ता में आ जाएं। तो ये अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, अपने मन को खुश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 4-5 राज्यों में मेरा जाना हुआ, मोदी जी के अलावा कोई जनता किसी को पसंद नहीं कर रही है लीडर में। आज की तारीख में एक ही लीडर है, नरेंद्र मोदी। हमें वो डीलर नहीं, चारी पब्लिक ये डीलर डीलिंग करते हैं, मोदी जी को लीडर के रूप में चारी है, और इंशाल्लाह मोदी जी आएंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जितने सारे घोटालेबाज थे सबको आपने अपने कब्जे में ले लिया, और देखिए कुछ वक्त किसी भी हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेके बात करते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जितने घोटालेबाज थे आपके यहाँ आकर के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। नहीं, विपक्ष का मौका जब उनके पास थे तो वो ठीक थे, अगर वो बीजेपी में आ गए जो पार्टी विस्तार करिए तो बुरे हो गए। मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू, जब विपक्ष में है तो उसको मीठा समझ रहे थे, उनको गलबैया उनके साथ लग रहे थे, और उधर जाने लगे तो उनकी कमियाँ नज़र आ रही हैं विपक्ष को। उनको अपनी कमी नज़र देखना चाहिए। जो मोदी जी ने जो 10 साल में डेवलपमेंट की, जो विकास की धारा बहाई है हिंदुस्तान के अंदर, देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त किया है, हिंदुस्तान के आम जनता के अकाउंट खुलवाए, पैसे डाले, किसानों की स्कीम, टॉयलेट गरीब घरों में, हिंदुस्तान में टॉयलेट लोग बाहर जाते थे, इस घर बनाए, पक्के मकान बना के दिए, गेहूं चावल राशन की योजना बनाई, लोगों को 5 लाख का मेडिक्लेम में लाए, दुनिया भर की एजुकेशन आप देखो हिंदुस्तान में, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चल जाओ आप, कितने बढ़िया बढ़िया रोड बनाए, हर जगह कनेक्टिविटी बढ़ाई, और इतने काम किए जो हम थोड़ी सी देर में बता नहीं सकते आपको। एक किताब बढ़ जाएगी किताब। इन्होंने 60-70 साल में लोगों को खाली गुमराह किया है, लोगों को लूटा है, ठगा है, तो इसको ठगबंधन, महागठबंधन, तो लोग इनसे कितना भी ये प्रयास कर लें, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। ये बारंबार इन्होंने दिया 400 पार अब की बार, मैंने कहा अब की बार नहीं, मैंने जोड़ा है उसमें बारंबार भाजपा सरकार और मोदी सरकार। आप कह रहे हैं बारंबार भाजपा सरकार, मोदी सरकार, विपक्ष ये कह रहा है या एक तबका ये कह रहा है कि साहब आप दलितों में, मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, आप उनकी लिंचिंग करवा रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा है, आप उनको डरा रहे हैं, आप उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। ये डराने का काम तो कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के लोग, जो कौम जो मुस्लिम के लिए बात कर रहे हैं, मुस्लिम अल्लाह से डरने वाली कौम है, अल्लाह के अलावा किसी ने उसको मोदी जी के नाम से, अमित शाह जी के नाम से, बाबा योगी जी के नाम से और RSS के नाम से, BJP के नाम से डरा के वोट अपना कैप्चर करते रहे हैं 60 साल। वो कौम निकल चुकी है, डर उनका डर छूट गया, उन्होंने देखा 10 साल में कुछ भी घटना ही नहीं हुई देश में, बिल्कुल। तो आतंकवाद में मुस्लिम युवा मुब्तला होते थे, एक आदमी करता था और पूरा कई परिवार भोगते थे, ऐसे दंगे राइट्स होते थे, ये सब चीज़ों पर लगाम लगाई है। तो इनके दिल में मरोड़ी उठ रही हैं यार, इनको कैसे डराया जाए। फिर SC ST की बात आए, SC ST भी अच्छी जॉब कर रहे थे, उनके दिमाग में कि BJP 400 पार आएगी तो आपका आरक्षण छीन लेगी, कोई ताकत नहीं है जो संविधान को बदल दे और SC ST का आरक्षण छीन ले, उनको छीन के आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। राहुल और वे को आपके जो हैं सेम पित्रोदादी, वो बकवास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के काले लोग जो हैं वो अफ्रीका से आए थे, ये जो
पश्चिमी भारत के लोग अरब मूल के हैं, उनको तोड़ने के काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज हमारे जो भाई पार्टी हैं। मेरी बात मंगलसूत्र का आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, वो छोटी छोटी बात है, बड़ी बात क्या हो ना, जब पता जैसे कि मेरा कहना ये है कि यूं तो तुम कश्मीरी भी हो, पंजाबी भी हो, बंगाली भी हो, गुजराती भी हो, मराठी भी हो, राजस्थानी भी हो, माना मैंने तुम सभी कुछ हो, क्या लेकिन क्या तुम हिंदुस्तानी हो? हमें हिंदुस्तानी बनना है, भारतवासी बनना है। सेम पित्रदा की और कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन की जो ठगबंधन है, अलग अलग पार्टियों का मेले अपने परिवार के लिए, अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, और मोदी जी राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। आपको राष्ट्र को मजबूत करना है, किसी के परिवार को मजबूत करना है। आज जो राजनीति है हिंदुस्तान की, डेवलपमेंट के ऊपर जा चुकी है, राष्ट्र के विकास कार्यों की तरफ देख रही है जनता। मोदी जी को ही वोट और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रही है और करना भी चाहिए। अगर ये विकास की चेन टूट गई, लोग ठगबंधन की बातों में आ गए, भेग गए, तो लोग पछताएंगे। 75 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला ना, आगे की मैं नहीं कह सकता मिले। मोदी जी की उम्र रखे, 34 तक मोदी जी आएंगे, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अल्लाह उनको ठीक रखे और कामयाबी दे। लोगों के अंदर दुर्भावना फैलाई जा रही है, बकवास की जा रही है, लोग उससे बचें। और 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 4th चरण का मतदान है 13 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप पे वोट दें। किसी भी नेता मंत्री जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो गलतियों को नज़रअंदाज करके जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें और देश को बुलाइयों ऊंचन ले जाएं। तरक्की की तरफ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोहेल हिंदुस्तानी साहब। मौसम बहुत ख़राब है, ये पहली बार शायद ज़िंदगी का ऐसा इंटरव्यू है जो इतने ख़राब मौसम में लिया गया है, लेकिन सोहेल साहब ने भाजपा के समर्थन की बात कही है। विपक्ष अपनी बातें कह रहा है, भाजपा अपनी बातें कह रही है, लेकिन जनता किसकी सुनेगी, इसका इंतज़ार 4 जून तक करना होगा।